लिए परिषद महाराज कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन में न रहे उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। एक ने एक दुख हर इंसान ने हर इंसान को भगवान ने दे दिया है याद रहे। आओ सुने उत्तल पाद भूपाल सुनाओ हाल प्रजा महरानी अब प्रजा में नए कोई करी ना राजा की बदनामी चेहरे की तरफ देखा जवाब दिया क्या हो गया बड़े परेशान नजर आ रहे हो जवाब दिया रानी ये न पूछो अगर हमने बता दिया तो जिस दुख के सागर में मैं डूबा हुआ हूँ तुम भी डूब जाओगे जवाब दिया नहीं महाराज मुझे बताइए आपको क्या हो गया है आप दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हो। वो तान पाद कहने लगे रानी मुझे कोई दुख नहीं है दुख तो केवल एक ही बात का है कि भगवान ने कोई संतान नहीं दी है। रानी की आंखों में आंसू आ गए जवाब दिया महाराज इसमें सारा कसूर हमारा है मैं आपको ये खुशी नहीं दे पाई क्योंकि स्त्री की शोभा एक संतान से होती है चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। रानी रोने लगी जवाब दिया महाराज ये दुनिया के लोग हमें देख करके हंसते हैं हमसे बांझ कहते तुम्हें निर्बल बताते हैं। रानी को रोते हुए देखा तो महाराज ने अपने दुपट्टा से आंसू पोंछे पागल हो गई हो रानी इसमें तुम्हारा दोष थोड़ी है और न हमारा दोष है क्या बोले महाराज तानपाद ठकुरानी ये दुनिया है जो कहती है उसे कहने दो।